हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करते हैं मीडियम चैनल से। ये वाली जो मीडियम वाली जो वेबसाइट है, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स रहते हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमें रैंडमली कोई भी टॉपिक हम सिलेक्ट करेंगे, उस पर मैं आपको दिखाऊंगी कि सभी लोगों ने कैसे कैसे ब्लॉग्स बनाए और वी कैन से ब्लॉग्स। यहाँ पर मीडियम चैनल का सब यूज़ करके अपने हिसाब से अपने को जो भी पसंद आता है उस हिसाब से सब ब्लॉग्स बनाते हैं। टेक्निकली जो हमारी चैनल है टेक इन रियल वर्ल्ड, यहाँ पे हम लोग टेक्निकल स्टफ डालते हैं, मेनली जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहती है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है। हम उस रिगार्डिंग टॉपिक सेलेक्ट करके उस पर मैं आप सभी को सारे वीडियोस दिखाऊंगी बना के। यहाँ पे जो सारे ब्लॉग्स रहते हैं मैं आपको समझाऊंगी, उस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सब ट्रेंडिंग टॉपिक सब कुछ दिया हुआ है। मैं यहाँ डिस्कवर मोर वॉट मैटर्स टू, यहाँ में से यह मशीन लर्निंग वाला सिलेक्ट करती हूँ, जहाँ से हम आगे देखते हैं फिर जो भी होगा कुछ नया होगा तो उस पर हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखते हैं, ये पहला टॉपिक है टॉप 10 एसक्यूएल क्वेरीज डेटा साइंटिस्ट सुड नो। ये सौरभ सक्सेना ने बनाया हुआ है नया ब्लॉग, जो एक दिन पहले ही बनाया, हम उसका थोड़ा रिफर करते हैं। चलो फिर उसको स्टार्ट करते हैं, देखते फिर आगे क्या आता है इसमें। टॉप 10 एसक्यूएल क्वेरीज और डेटा साइंटिस्ट शुड नो, ये वाली जो है, ये वाला जो ब्लॉग है सौरभ सक्सेना ने बनाया हुआ है। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी भेज दूँगी, सो आपको जिसको भी रिफर करना हो कर सकते हो। वी शुड डेफिनेटली थैंक टू दिस गाय जिसने ये बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनाया है, हम उसको आगे रिफर करते हैं। सिर्फ 5 मिनट ही लगता है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो फिर यहाँ पे उन लोगों ने डाला हुआ है, चलो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। पहली क्वेरी आती है सिलेक्ट की क्वेरी। इफ यू वांट टू नो द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड द ईमेल ऑफ द कस्टमर, यू कैन स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ द डिजायर्ड कॉलम्स अलोंग विद द सिलेक्ट एंड फ्रॉम कीवर्ड्स। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमें क्रिएट रीड अपडेट और डिलीट दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस इफ यू वांट टू फॉलो दे कैन देन वी कैन यूज दिस सिलेक्ट क्वेरी। देन इफ यू कैन सी दिस इज द सिंपल क्वेरी, बेसिक सिंपल क्वेरी हैज बीन गिवन हियर, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फ्रॉम कस्टमर। यहाँ पे जो सिलेक्ट है वो हमारा कीवर्ड रहेगा, कस्टमर है जो हमारा टेबल रहेगा, इसलिए हम लोगों ने लिखा हुआ है फ्रॉम कस्टमर एंड सिलेक्ट वुड बी, हमें कुछ सिलेक्ट करना है, कस्टमर नाम के जो टेबल है उसमें से हमें सिलेक्ट करना है कि हमें जिस जिस कॉलम पे वर्क करना है। इसलिए सबसे सिंपल ही क्वेरी है कि हमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम चाहिए और साथ में ईमेल, तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फ्रॉम कस्टमर। ओके तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टार का यूज़ किया है, एस्ट्रिक मार्क का। अगर हमें टेबल में से सारी कॉलम्स चाहिए, सारी कॉलम सारी रोज चाहिए, तो उसके लिए एस्ट्रिक मार्क का यूज़ किया हुआ है और इसके लिए पूरी बनती है क्वेरी हमारी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि सारी कॉलम्स सारी वैल्यूज आ चुकी है, यहाँ पे कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, एवरीथिंग हैज बीन गिवन टू हियर। अभी दूसरा आता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट रिस्ट्रिक्ट द डुप्लीकेशन ऑफ रोज इन द क्वेरी। डिस्टिंक्ट का यूज़ क्या होता है कि अगर कुछ भी डुप्लीकेशन आता है रो में तो उसको हम लोग रिमूव करने के लिए डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं। सिर्फ हमें कुछ नहीं लिखना है, आगे सिर्फ डिस्टिंक्टली लिखना है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट क्रिएट डेट फ्रॉम कस्टमर। मतलब यहाँ पे देखोगे तो वन कॉलम ऑलरेडी प्रेजेंट है विच इज क्रिएटेड डेट, क्रिएट डेट यहाँ पे, लेकिन आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा एक ही डेट दिखाई दे रही है, 14 फरवरी 2006। अगर इसमें समय सिर्फ यूनिक ही चाहिए तो उसके लिए हमें डिस्टिंक्ट का यूज़ कर सकते हैं। चलो फिर यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ एक ही वैल्यू में मिली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वेयर क्लॉज का यूज क्या है। वेयर इज यूज्ड इन अ क्वेरी टू फिल्टर द रिजल्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एड्रेस वेयर डिस्टिंक्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट। यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज किसके लिए किया, अगर हमें कुछ क्वेरी डाली है उसमें से हमें पर्टिकुलरली ऐसा चाहिए कुछ कि अगर मैं मान लो कि मेरे पास बहुत सारे डेटा है उसमें से मुझे स्पेसिफिकली कोई एड्रेस चाहिए कि जिसकी वैल्यू सिर्फ टेक्स्ट आ सो, उसके लिए
हमें ये वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे एड्रेस, डिस्टिंक्ट एड्रेस चाहिए हमें, सॉरी वेर डिस्ट्रिक्ट इक्वल्स टू टेक्सास। मान लेते हैं हमारे पास यूएस के सारे डेटा है, यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं हमें, उसमें से हमें सिर्फ टेक्सास का ही डेटा चाहिए, तो इसके लिए हम इन लोगों ने यहाँ वेरिएबल्स का यूज़ किया हुआ है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर की क्वेरी। फोर्थ नंबर में यूज़ किया हुआ है ग्रुप बाय एंड हैविंग। ग्रुप बाय क्लोज क्लस्टर्स द रोज विद द सेम वैल्यूज। एग्जाम्पल, वॉट इज द टोटल पेमेंट मेड बाय ईच कस्टमर। ओके, अभी मैं आपको समझाती हूँ, पहले देख लेते कैरी क्या है। सिलेक्ट कस्टमर आईडी सम ऑफ टोटल एज टोटल अमाउंट फ्रॉम पेमेंट ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। हाँ, अभी देखो क्या है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के कस्टमर आईडी दिए गए हैं, फिर उनकी अमाउंट भी दी गई हुई है। यहाँ पे हम देखोगे, आपको मैं दिखाती हूँ पहले जो हमारी मेन जो हमारा टेबल है ना, यहाँ पे अलग अलग टाइप के कस्टमर आईडी दिए हुए हैं। 540, 524, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे दिए गए हुए हैं यहाँ पे। साथ ही में देखोगे तो फिर इन लोगों ने क्या किया है, दुबई में जाते हैं फिर से, उनको टोटल अमाउंट चाहिए। अगर मेरे पास अलग अलग टाइप के अलग अलग एक पर्टिकुलर कस्टमर आईडी के अलग अलग अमाउंट दिए गए हुए हैं, मतलब यहाँ पे देखते हैं फिर से अमाउंट की अगर हमें मिल जाती है तो लास्ट टाइम स्टोर आईडी। ओके, यहाँ पे उन लोगों ने कुछ नहीं लिया हुआ है, मतलब कैसा है, अगर मैंने मान लेते हैं कि मैंने जनवरी मंथ में 100 रुपये खर्च किए, फरवरी मंथ में मैंने बस 200 रुपये खर्च किए हैं, अगर इन लोगों को ढूंढना है हमें कि उर्वी ने मतलब मैंने कितने पैसे खर्च किए हैं अभी तक, तो उसके लिए हमें ये ग्रुप बाय का यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप बाय कस्टमर आईडी वुड बी 184। दिस इज़ हाउ इट इज़ गेटिंग प्रोसीड अहेड। यहाँ पे हमें क्या करना है, नई एक कॉलम बनानी है जिसका नाम रहेगा टोटल अमाउंट, और उसमें हम क्या डालेंगे, उसकी क्वेरी रहेगी सम ऑफ अमाउंट। फिर क्या कहेंगे, पेमेंट का जो टेबल है उसमें से हम लोगों ने कस्टमर आईडी लिया है और अमाउंट दो कॉलम ली है, फिर उसको हमने ग्रुप बाय किया है कस्टमर आईडी से। ग्रुप बाय करेंगे तो हमें ऐसी टोटल अमाउंट वाली वैल्यूज मिल जाएंगी। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं हैविंग का यूज़ क्या किया है हम लोगों ने, हमने ऐसे ग्रुप बाय किया है। मान लेते हैं कि 3-4 कस्टमर है, एक कस्टमर है, हमारे पास 3 कस्टमर है और 3 महीना है, जनवरी फरवरी मार्च। पहले कस्टमर ने तीनों महीने में 100-100 रुपये का इन्वेस्ट किया है, दूसरे कस्टमर है जिसने तीनों महीने में 200-200 का इन्वेस्ट किया है, और तीसरा है जिसने तीनों महीने में 300-300 का किया है इन्वेस्ट। तो अभी हमने ग्रुप बाय करके ये तो पता चल जाएगा कि पहले कस्टमर ने टोटल 300 का किया है इन्वेस्टमेंट, दूसरे कस्टमर ने 600 का किया है, और तीसरे कस्टमर ने 300x3 मतलब 900 का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर हमें ढूंढना होगा कि किस बंदे ने 500 से ज़्यादा रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि हैविंग सम ऑफ अमाउंट इज लेस देन ओवर टू 50 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, 500, वही जो भी कंडीशन होगी वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐसा रहेगा ग्रुप बाय एंड हैविंग। अभी आगे बढ़ते हैं पांचवा है ऑर्डर बाय एंड लिमिट। ऑर्डर बाय सॉर्ट्स द रिजल्ट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन सर्टेन कॉलम्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कीवर्ड्स डिसाइड्स द ऑर्डर ऑफ द सॉर्ट। एग्जाम्पल, फाइंड द टोटल पेमेंट मेड बाय ईच कस्टमर एंड सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। सिलेक्ट कस्टमर आई डी सम ऑफ अमाउंट एज टोटल अमाउंट फ्रॉम पेमेंट ग्रुप बाय कस्टमर आई डी ऑर्डर बाय टोटल अमाउंट इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर बाय क्या होता है, अगर हमारे पास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दो ऑर्डर मीन रहते हैं हमारे पास। असेंडिंग मतलब क्या, कि जो वैल्यूज धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जैसे कि 0 से लेकर 1, 2, 3 इसको हम असेंडिंग बोलते हैं। अगर हम 10 जाए तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर अगर असेंडिंग बोलते हैं तो हमारी वैल्यू आगे बढ़ेगी, और अगर हम डिसेंडिंग बोलते हैं तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। सो मीन ये दो ऑर्डर में हम ऑर्डर का चाहिए कुछ भी वैल्यूज के लिए हम ऑर्डर बाय का यूज़ करते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा आता है लिमिट। लिमिट का क्या होता है, अगर हमें कोई बोलता है कि पहले क्लास में फर्स्ट थ्री
बंदे कौन है जिसने हाईएस्ट स्कोर किया है, तो उसके लिए हमें, हमारे पास क्लास में 50 बंदे हैं, उसमें से 3 बंदे हैं जिसने हाईएस्ट स्कोर किया हुआ है, तो उसके लिए हमें अगर टॉप 3 हमें ढूंढना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पूरे कस्टमर्स, पूरे हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे, उसमें हम लिमिट लगा लेंगे कि लिमिट 3, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा उसमें 3 ही वैल्यू मिलेगी। ऐसा करना है। अभी नेक्स्ट आता है 6 नंबर का है केस। केस की वैल्यू क्या होती है? केस एक्सप्रेशन गोज थ्रू कंडीशंस एंड रिटर्न अ वैल्यू व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज मेट। एग्जांपल, कस्टमर इज अ प्रीमियम कस्टमर इफ द अमाउंट एक्सीड्स 50। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम जैसे इफ कंडीशन जैसे हम लोग यूज करते हैं, या फिर हम लोगों ने केस का यूज किया है, यहाँ पे हम सारी सारी कंडीशंस डाल सकते हैं, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, और उस हिसाब से उसका रिजल्ट भी हमें मिल जाएगा। देन में, व्हेन में हमें कंडीशन डालनी है और देन में हम उसका रिजल्ट मिलेगा। चलो फिर आगे देखते हैं कैसे होता है ये सब। ये हमारी पूरी क्वेरी है। सिलेक्ट कस्टमर आईडी सम ऑफ टोटल एज टोटल अमाउंट, जो हमने ऊपर ही देख लिया। केस यहाँ पे हमारे स्टार्ट होता है, व्हेन सम ऑफ अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन प्रीमियम कस्टमर, एल्स स्टैंडर्ड कस्टमर, और लास्ट में हमें एंड को लिखना ही है कि एंड एज अ कस्टमर स्टेटस। यहाँ पे हम देखते हैं, चलो फिर हमें क्या करना है, देखो हमारी जो नई कॉलम बनानी है, हमें फाइंड करना है कि बंदा स्टैंडर्ड कस्टमर है या प्रीमियम कस्टमर है। तो उसके लिए कस्टमर स्टेटस करके हमने एक कॉलम नई बनानी है, उसको हम लिखेंगे एंड एज कस्टमर स्टेटस। अभी हमें चेक करना है कि जिसकी ये टोटल अमाउंट है वो 50 से ज़्यादा रहेंगी तो उसको हम प्रीमियम कस्टमर बोलेंगे, अदरवाइज उसको हम स्टैंडर्ड कस्टमर बोलेंगे। तो अगर हमें 2-3 ऐसी कंडीशंस लगानी है, उस टाइम पे ये केस का यूज़ होगा। केस के अंदर व्हेन में हम सिर्फ डालना है कि ये जो अमाउंट रहेगी हमारी टोटल अमाउंट, उसकी ये टोटल अमाउंट है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो उसको हम प्रीमियम कस्टमर बोलेंगे, अदरवाइज उसको हम एल्स में स्टैंडर्ड कस्टमर। ऐसे होता है। नेक्स्ट आता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, विच इज जॉइंट्स, इनर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, फुल जॉइंट, दिस आर द काइंड ऑफ अ मेन जॉइंट दैट इज बीन यूज्ड हियर। देखते हैं फिर, अगर हम इनर जॉइंट की बात करते हैं, हमारे पास 2 टेबल है, उसमें से जो कॉमन रहेगा वो इनर जॉइंट में आएगा। फुल जॉइंट की बात करते हैं तो फुल जॉइंट में क्या होगा, कुछ 2 कॉमन चीज़ों के हिसाब से हम 2 टेबल को जॉइन तो करेंगे ही, लेकिन डेटा दोनों टेबल के आएंगे। मतलब पहले टेबल में 5 कॉलम है और दूसरे टेबल में 7 कॉलम है और 2 कॉमन कॉलम रहेगी हमारी, तो उस हिसाब से टोटल जो हमारा आएगा उसमें क्या रहेगा, 5 प्लस 7 विच इज़ इक्वल्स टू 12 माइनस 2, हमारी जो नई बनेगी उसमें 10 कॉलम्स रहेंगे। लेफ्ट चेन में क्या रहेगा, अगर पहले टेबल में 5 है और दूसरे टेबल में 2 है और हम लोग एक कॉलम से ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर हमारा जो फाइनल रहेगा ना उसमें पहले टेबल की सारी कॉलम्स आएगी लेकिन दूसरे टेबल की जो कॉमन कॉलम है वो ही आएगी, उसी तरह राइट जॉइन में रहेगा, दूसरे टेबल की सारी कॉलम्स आएंगी लेकिन जो पहला टेबल रहेगा उसमें से सिर्फ जो कॉलम कॉमन है वो ही आएगी। इसकी यहाँ पे हम सिंटेक्स देख लेते हैं। सिलेक्ट सी डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, सी डॉट लास्ट अंडरस्कोर नेम, सी डॉट कस्टमर आईडी, सम पी अमाउंट। यहाँ पे जो सिलेक्ट की ये क्वेरी है बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये क्वेरी बहुत ही ज़्यादा यूज होती है फॉर एवरी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग। यहाँ पे जो हमने ग्रुप बाय है वो हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ पे आता है हमारा इनर जॉइन और जॉइन वैकेंसी। यहाँ पे क्या किया है, हमारे पास एक टेबल है, पहला टेबल है जो हमारे पास एक कस्टमर है, दूसरा टेबल है हमारे पास पेमेंट। तो हम क्या करेंगे, अगर कस्टमर को हमें पेमेंट के साथ जोड़ना है तो दोनों में एक कॉमन की होनी चाहिए, कॉमन की कॉलम होनी चाहिए। यहाँ पे देखोगे तो एक कस्टमर आईडी है और दूसरा में भी कस्टमर आईडी, तो इन दोनों से हम लोग ज्वाइन करवा सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने इनर जॉइन यूज़ किया है, जो भी दोनों में से कॉमन रहेगी वही हमें फाइनल में मिलेगी। यहाँ पे ग्रुप बाय तो आपको पता ही है, ग्रुप बाय क्या करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड कस्टमर, जो हमने आगे ऊपर पढ़ा है। और यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, फ्रॉम कस्टमर सी, हमें लिखने के लिए आसानी हो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, कस्टमर को हम लोगों ने शॉर्ट नेम दिया है सी और पेमेंट को हमने शॉर्ट नेम दिया है पी, तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो ईजी रहेगा। अभी हमें क्या करना है, किस दी दो
दोनों टेबल में कौन सी कॉमन है? तो कस्टमर आईडी सी में है कस्टमर आईडी और पी में है कस्टमर आईडी इक्वल्स टू, तो यहाँ मेरी क्वेरी बनती है इतनी, इनर जॉइन पेमेंट भी ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू पी डॉट कस्टमर आईडी, पहले क्या करना है फ्रॉम कस्टमर, ऐसे हमारा आगे बढ़ेगा। ये क्या किया हम लोगों ने, पहले वाले में से ये तीन कॉलम ली है जो है हमारा कस्टमर में से, और जो है पांच चौथी कॉलम पी डॉट अमाउंट ली है, चौथी वो हमारी उन लोगों ने ली है पेमेंट वाले टेबल से, ऐसा करके पूरा बनता है। आगे फिर बढ़ते हैं, ये भी उन लोगों ने एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत ही ध्यान से करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में भेज देना, मैं आपको थोड़ा डिटेल में ऐसा होगा तो फिर से नया वीडियो बना के दूंगी। सब क्वेरीज, और सब क्वेरीज एसक्यूएल क्वेरी नेस्टेड इनसाइड अ लार्ज क्वेरी। यहाँ पे आप देखोगे हमारी बेसिक क्वेरी रहती है सिलेक्ट पेमेंट अमाउंट, दिस काइंड ऑफ अमाउंट फ्रॉम पेमेंट। इन लोगों ने क्या किया, ये वाली देखोगे ना इसको सब क्वेरी बोलते हैं एस करके। अगर हमें कुछ नई कॉलम ऐड करनी है लेकिन कंडीशन अप्लाई करके, तो उसके लिए ये वाला का यूज़ हुआ। इन लोगों ने यहाँ पे एक सब क्वेरी डाला है, सब क्वेरी मेनली हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालनी होती है, और उसका उसका जो सब क्वेरी का आउटपुट रहेगा उन लोगों ने ये टोटल अमाउंट में स्टोर किया, और ये टोटल अमाउंट रहेगा अभी हमारे नई कॉलम बन के पेमेंट अमाउंट में स्टोर हो जाएगा। सिलेक्ट सम ऑफ अमाउंट फ्रॉम पेमेंट, ऐसे करके इन लोगों ने ये वाली नई बनाई है। यहाँ पे क्या किया है मेनली इन लोगों ने, अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास ये टेबल है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट है, तो पेमेंट इन लोगों ने टोटल एज अ टोटल अमाउंट करके डाल दिया है, ऐसे आपको टोटल अमाउंट भी मिल जाएगा फॉर। और इस तरह से हमारी सब क्वेरी का यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, विंडोज फंक्शंस विथ रैंक। विंडोज फंक्शन अप्लाई टू एग्रीगेट एंड रैंकिंग फंक्शंस ओवर अ पर्टिकुलर विंडोज सेट ऑफ रोज। ओवर क्लास इज यूज्ड विथ विंडो फंक्शंस टू डिफाइन द विंडो, इट कैन बी कंबाइंड विथ पार्टीशन बाय और ऑर्डर बाय। सिलेक्ट कस्टमर आई डी सम ऑफ अमाउंट रैंक ओवर बाय, यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिलेक्ट हमने देख लिया है, कस्टमर आई डी सम ऑफ अमाउंट एज टोटल अमाउंट वो भी हम लोगों ने देख लिया है, यहाँ पे रैंक ओवर ऑर्डर बाय सम ऑफ अमाउंट डिसेंडिंग। यहाँ पे ओवर का यूज ऐसे किया है कि इज विथ विंडो फंक्शन टू डिफाइन द विंडो, यहाँ पे जो सम ऑफ अमाउंट रैंक हम लोगों ने यहाँ पे एक नई हम लोगों ने यहाँ पे एक नई एक कॉलम जैसा लिया है विच इज रैंक, वो क्या करेगा ऑर्डर बाय सम ऑफ अमाउंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो हम लोगों ने क्या किया है अभी जो सम ऑफ अमाउंट करके नई कॉलम बनाई है टोटल अमाउंट, उसी पे उन लोगों को ऑर्डर बाय करवाना है, तो वो हम अभी तो हमारी एक ही करी चल रही है जिसमें हम लोगों ने टोटल अमाउंट नाम की कॉलम बनाई नहीं है, तो अभी उसी पे हमें करना होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये रैंक का यूज़ किया है रैंक ओवर करके, जो क्या करेगा जो हमारी अमाउंट रहेगी और उसके ऊपर जो हमने सम ऑफ अमाउंट करके बनाया है उस पर ये लोग डिसेंडिंग करेंगे, बाकी तो जैसे क्या जैसा है वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड ट्रंकेट। एज द नेम सजेस्ट इंसर्ट इज यूज टू पुश वन और मोर रिकॉर्ड्स इन द टेबल विच अपडेट इज। इंसर्ट का क्या होता है मतलब, अगर हमारे पास कुछ टेबल है उसमें हमें कुछ डेटा इंसर्ट करना है, अपडेट का क्या मतलब, हमारे पास कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें हमें कुछ अपडेट डालना, मतलब नाम चेंज करना है एड्रेस चेंज करना है ऐसा कुछ। डिलीट डिलीट का मतलब क्या है कि डिलीट का मतलब क्या है, अगर हमारे पास कुछ डेटा सेट है और उसमें से हमें कुछ डिलीट करना है, कुछ हमें रो नहीं चाहिए तो उसके लिए डिलीट बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारा है जो ट्रंकेट, ट्रंकेट का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कुछ टेबल है उसमें 100 डेटा हमें कुछ भी नहीं चाहिए पूरा का पूरा डिलीट करना है डेटा, तो उसके लिए ट्रंकेट का यूज़ होता है। सो ये पूरा हमारा ब्लॉग अभी ख़त्म हो गया है, लोगों ने नीचे रेफरेंस लिंक भी दी हुई है, तब ये वाला ब्लॉग ज़रूर रिफर करना, और अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सो आज हम स्टार्ट करते हैं मीडियम चैनल से। ये वाली जो मीडियम वाली जो वेबसाइट है यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स रहते हैं,
यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमें रैंडमली कोई भी टॉपिक हम सिलेक्ट करेंगे, उस पर मैं आपको दिखाऊंगी कि सभी लोगों ने कैसे कैसे ब्लॉग्स बनाए और वी कैन से ब्लॉग्स यहाँ भी मीडियम चैनल का सब यूज़ करके अपने हिसाब से अपने को जो भी पसंद आता है उस हिसाब से ब्लॉग्स बनाते हैं। टेक्निकली जो हमारी चैनल है टेक इन रियल वर्ल्ड, यहाँ पे हम लोग टेक्निकल स्टफ डालते हैं, मेनली जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहती है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, हम उस रिगार्डिंग टॉपिक सेलेक्ट करके उस पर मैं आप सभी को सारे वीडियोस दिखाऊंगी बना के। यहाँ पे जो सारे ब्लॉग्स रहते हैं मैं आपको समझाऊंगी, उस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सब ट्रेंडिंग टॉपिक सब कुछ दिया हुआ है। मैं यहाँ डिस्कवर मोर व्हाट मैटर्स टू, यहाँ में से यह मशीन लर्निंग वाला सिलेक्ट करती हूँ, जहाँ से हम आगे देखते हैं फिर जो भी होगा कुछ नया होगा तो उस पर हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखते हैं, ये पहला टॉपिक है टॉप 10 एसक्यूएल क्वेरीज डेटा साइंटिस्ट शुड नो। ये सौरभ सक्सेना ने बनाया हुआ है नया ब्लॉग, जो एक दिन पहले बनाया, हम उसका थोड़ा रिफर करते हैं। चलो फिर उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिर आगे क्या आता है इसमें। टॉप 10 एसक्यूएल क्वेरीज और डेटा साइंटिस्ट शुड नो, ये वाला जो ब्लॉग है सौरभ सक्सेना ने बनाया हुआ है। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी भेज दूँगी, सो आपको जिसको भी रिफर करना हो कर सकते हो। वी शुड डेफिनेटली थैंक टू दिस गाय जिसने ये बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनाया है, हम उसको आगे रिफर करते हैं। सिर्फ 5 मिनट ही लगता है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो फिर यहाँ पे उन लोगों ने डाला हुआ है, चलो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। पहली क्वेरी आती है सिलेक्ट की क्वेरी, इफ यू वांट टू नो द फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड द ईमेल ऑफ द कस्टमर यू कैन स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ द डिजायर्ड कॉलम्स अलोंग विद द सिलेक्ट एंड फ्रॉम कीवर्ड्स। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमें क्रिएट रीड अपडेट और डिलीट दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस इफ यू वांट टू फॉलो दे कैन देन वी कैन यूज दिस सिलेक्ट क्वेरी। देन इफ यू कैन सी दिस इज द सिंपल क्वेरी, बेसिक सिंपल क्वेरी हैज बीन गिवन हियर, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फ्रॉम कस्टमर। यहाँ पे जो सिलेक्ट है वो हमारा कीवर्ड रहेगा, कस्टमर है जो हमारा टेबल रहेगा, इसलिए हम लोगों ने लिखा हुआ है फ्रॉम कस्टमर। एंड सिलेक्ट वो भी हमें कुछ सिलेक्ट करना है, कस्टमर के नाम के जो टेबल है उसमें से हमें सिलेक्ट करना है कि हमें जिस जिस कॉलम पे वर्क करना है। इसलिए सबसे सिंपल ही क्वेरी है कि हमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम चाहिए और साथ में ईमेल, तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फ्रॉम कस्टमर। ओके तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टार का यूज़ किया है, एस्ट्रिक मार्क का। अगर हमें टेबल में से सारी कॉलम्स चाहिए, सारी कॉलम सारी रोज चाहिए, तो उसके लिए एस्ट्रिक मार्क का यूज़ किया हुआ है और इसके लिए पूरी बनती है क्वेरी हमारी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि सारी कॉलम सारी वैल्यूज आ चुकी है। यहाँ पे कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, एवरीथिंग हैज बीन गिवन टू हियर। अभी दूसरा आता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट रिस्ट्रिक्ट द डुप्लीकेशन ऑफ रोज इन द क्वेरी। डिस्टिंक्ट का यूज़ क्या होता है कि अगर कुछ भी डुप्लीकेशन आता है रो में तो उसको हम लोग रिमूव करने के लिए डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं। सिर्फ हमें कुछ नहीं लिखना है आगे, सिर्फ डिस्टिंक्टली लिखना है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट क्रिएट डेट फ्रॉम कस्टमर। मतलब यहाँ पे देखोगे तो वन कॉलम ऑलरेडी प्रेजेंट है विच इज़ क्रिएटेड डेट, क्रिएट डेट। यहाँ पे लेकिन आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा एक ही डेट दिखाई दे रही है, 14 फरवरी 2006। अगर इसमें समय सिर्फ यूनिक ही चाहिए तो उसके लिए हमें डिस्टिंक्ट का यूज़ कर सकते हैं। चलो फिर यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ एक ही वैल्यू में मिली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वेयर क्लॉज का यूज क्या है। वेयर इज यूज इन अ क्वेरी टू फिल्टर द रिजल्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एड्रेस वेयर डिस्टिंक्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट। यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज किसके लिए किया, अगर हमें कुछ क्वेरी डाली है उसमें से हमें पर्टिकुलरली ऐसा चाहिए कुछ कि अगर मैं मान लो कि मेरे पास बहुत सारे डेटा है उसमें से मुझे स्पेसिफिकली कोई एड्रेस चाहिए कि जिसकी वैल्यू सिर्फ टेक्स्ट आ सके, उसके लिए हमें यह वेयर क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे एड्रेस, डिस्टिंक्ट एड्रेस चाहिए हमें,
सॉरी मैं डिस्ट्रिक्ट इक्वल्स टू टेक्सास। अब मान लेते हैं हमारे पास यूएस के सारे डेटा है, यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं हमें, उसमें से हमें सिर्फ टेक्सास का ही डेटा चाहिए, तो इसके लिए हम इन लोगों ने यहाँ वेयर क्लॉज का यूज़ किया हुआ है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर में यूज़ किया हुआ है ग्रुप बाई एंड हैविंग। ग्रुप बाई क्लोज क्लस्टर्स द रूल्स विद द सेम वैल्यूज। एग्जाम्पल, वॉट इज द टोटल पेमेंट मेड बाई ईच कस्टमर। ओके, अभी मैं आपको समझाती हूँ, पहले देख लेते कैरी क्या है। सिलेक्ट कस्टमर आईडी सम ऑफ टोटल एज टोटल अमाउंट फ्रॉम पेमेंट ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। हाँ, अभी देखो क्या है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कस्टमर आईडी दिए गए हैं, फिर उनके अमाउंट भी दी गई हुए हैं। यहाँ पे हम देखोगे तो आपको मैं दिखाती हूँ, पहले जो हमारी मेन जो हमारा टेबल है ना, यहाँ पे अलग अलग टाइप के कस्टमर आईडी दिए हुए हैं, 5, 40, 524, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे दिए गए हुए। यहाँ पे साथ ही में देखोगे तो फिर इन लोगों ने क्या किया है, दुबई में जाते हैं फिर से, उनको टोटल अमाउंट चाहिए। अगर मेरे पास अलग अलग टाइप के अलग अलग एक पर्टिकुलर कस्टमर आईडी के अलग अलग अमाउंट दिए गए हुए, मतलब यहाँ पे देखते हैं फिर से अमाउंट की अगर हमें मिल जाती है तो लास्ट टाइम स्टोर आईडी। ओके, यहाँ पे उन लोगों ने कुछ नहीं लिया हुआ है, मतलब कैसा है, अगर मैंने मान लेते हैं कि मैंने जनवरी मंथ में 100 रुपये खर्च किए, फरवरी मंथ में मैंने बस 200 रुपये खर्च किए हैं, अगर इन लोगों को ढूंढना है हमें कि उर्वी ने, मतलब मैंने कितने पैसे खर्च किए हैं अभी तक, तो उसके लिए हमें ये ग्रुप बाय का यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप बाय कस्टमर आईडी वुड बी 184। दिस इज हाउ इट इज़ गेटिंग प्रोसीड अहेड। यहाँ पे हमें क्या करना है, नई एक कॉलम बनानी है जिसका नाम रहेगा टोटल अमाउंट, और उसमें हम क्या डालेंगे, उसकी क्वेरी रहेगी सम ऑफ अमाउंट। फिर क्या कहेंगे, पेमेंट का जो टेबल है उसमें से हम लोगों ने कस्टमर आईडी लिया है और अमाउंट दो कॉलम ली है, फिर उसको हमने ग्रुप बाय किया है कस्टमर आईडी से। ग्रुप बाय करेंगे तो हमें ऐसी टोटल अमाउंट वाली वैल्यूज मिल जाएगी। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं हैविंग का यूज़ क्या किया है हम लोगों ने, हमने ऐसे ग्रुप बाय किया है, मान लेते हैं कि 3-4 कस्टमर है, एक कस्टमर है, हमारे पास 3 कस्टमर है और 3 महीना है, जनवरी फरवरी मार्च। पहले कस्टमर ने तीनों महीने में 100-100 रुपये का इन्वेस्ट किया है, दूसरे कस्टमर है जिसने तीनों महीने में 200-200 का इन्वेस्ट किया है, तीसरा है जिसने तीनों महीने में 300-300 का किया है इन्वेस्ट। तो अभी हमने ग्रुप बाय करके ये तो पता चल जाएगा कि पहले कस्टमर ने टोटल 300 का किया है इन्वेस्टमेंट, दूसरे कस्टमर ने 600 का किया है और तीसरे कस्टमर ने 300x3 मतलब 900 का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर हमें ढूंढना होगा कि किस बंदे ने 500 से ज़्यादा रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि हैविंग सम ऑफ अमाउंट इज लेस देन ओर टू 50 ग्रेटर देन ओर इक्वल टू 50, 500, वही जो भी कंडीशन होगी वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐसा रहेगा ग्रुप बाय एंड हैविंग। अभी आगे बढ़ते हैं पांचवा है ऑर्डर बाय एंड लिमिट। ऑर्डर बाय सॉर्ट्स द रिजल्ट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन सर्टेन कॉलम्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कीवर्ड्स डिसाइड्स द ऑर्डर ऑफ द सॉर्ट। एग्जाम्पल, फाइंड द टोटल पेमेंट मेड बाय ईच कस्टमर एंड सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। सिलेक्ट कस्टमर आई डी सम ऑफ अमाउंट एज टोटल अमाउंट फ्रॉम पेमेंट ग्रुप बाय कस्टमर आई डी ऑर्डर बाय टोटल अमाउंट इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर बाय क्या होता है, अगर हमारे पास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दो ऑर्डर मेन रहते हैं हमारे पास। असेंडिंग मतलब क्या, कि जो वैल्यूज धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जैसे कि 0 से लेकर 1, 2, 3 इसको हम असेंडिंग बोलते हैं। अगर हम 10 जाए तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर अगर असेंडिंग बोलते हैं तो हमारी वैल्यू आगे बढ़ेगी, और अगर हम डिसेंडिंग बोलते हैं तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। सो मेन ये दो ऑर्डर में हम ऑर्डर का चाहिए कुछ भी वैल्यूज के लिए हम ऑर्डर बाय का यूज़ करते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा आता है लिमिट। लिमिट का क्या होता है, अगर हमें कोई बोलता है कि पहले क्लास में फर्स्ट 3 बंदे कौन है जिसने हाईएस्ट स्कोर किया है, तो उसके लिए हमें, हमारे पास क्लास में 50 बंदे हैं उसमें से 3 बंदे हैं जिसने हाईएस्ट स्कोर
किया हुआ है, तो उसके लिए हमें अगर टॉप थ्री हमें ढूंढना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पूरे कस्टमर्स पूरे हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे उसमें हम लिमिट लगा लेंगे कि लिमिट थ्री, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा उसमें तीन ही वैल्यू मिलेगी, ऐसा करना है। अभी नेक्स्ट आता है सिक्स नंबर का है केस। केस की वैल्यू क्या होती है, केस एक्सप्रेशन गोज थ्रू कंडीशंस एंड रिटर्न अ वैल्यू व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज मेट। एग्जांपल, कस्टमर इज अ प्रीमियम कस्टमर इफ द अमाउंट एक्सीड्स 50। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम जैसे इफ कंडीशन जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर हम लोगों ने केस का यूज़ किया है, यहाँ पे हम सारी सारी कंडीशंस डाल सकते हैं, कंडीशन वन, कंडीशन टू, कंडीशन थ्री, और उस हिसाब से उसका रिजल्ट भी हमें मिल जाएगा। देन में वेन में हमें कंडीशन डालनी है और देन में हम उसका रिजल्ट मिलेगा। चलो फिर आगे देखते हैं कैसे होता है ये सब। ये हमारी पूरी क्वेरी है। सिलेक्ट कस्टमर आई डी सम ऑफ टोटल एज टोटल अमाउंट, जो हमने ऊपर ही देख लिया। केस यहाँ पे हमारे स्टार्ट होता है, वेन सम ऑफ अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन प्रीमियम कस्टमर, एल्स स्टैंडर्ड कस्टमर, और लास्ट में हमें एंड को लिखना ही है कि एंड एज अ कस्टमर स्टेटस। यहाँ पे हम देखते हैं, चलो फिर हमें क्या करना है, देखो हमारी जो नई कॉलम बनानी है हमारा, हमें फाइंड करना है कि बंदा स्टैंडर्ड कस्टमर है या प्रीमियम कस्टमर है। तो उसके लिए कस्टमर स्टेटस करके हमने एक कॉलम नई बनानी है, उसको हम लिखेंगे एंड एज कस्टमर स्टेटस। अभी हमें चेक करना है कि जिसकी ये टोटल अमाउंट है वो 50 से ज़्यादा रहेंगी तो उसको हम प्रीमियम कस्टमर बोलेंगे, अदरवाइज उसको हम स्टैंडर्ड कस्टमर बोलेंगे। तो अगर हमें दो तीन ऐसी कंडीशंस लगानी है उस टाइम पे ये केस का यूज होगा। केस के अंदर वेन में हम सिर्फ डालना है कि ये जो अमाउंट रहेगी हमारी टोटल अमाउंट, उसकी ये टोटल अमाउंट है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है तो उसको हम प्रीमियम कस्टमर बोलेंगे, अदरवाइज उसको हम एल्स में स्टैंडर्ड कस्टमर, ऐसे होता है। नेक्स्ट आता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, विच इज़ जॉइंट्स, इनर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, फुल जॉइंट, दिस आर द काइंड ऑफ अ मेन जॉइंट दैट इज बीन यूज्ड हियर। देखते हैं फिर, अगर हम इनर जॉइंट की बात करते हैं, हमारे पास दो टेबल है उसमें से जो कॉमन राइट है वो इनर जॉइंट में आएगा। फुल जॉइंट की बात करते हैं तो फुल जॉइंट में क्या होगा, कुछ दो कॉमन चीज़ों के हिसाब से हम दो टेबल को जॉइन तो करेंगे ही, लेकिन डेटा दोनों टेबल के आएंगे। मतलब पहले टेबल में 5 कॉलम है और दूसरे टेबल में 7 कॉलम है और दो कॉमन कॉलम रहेगी हमारी, तो उस हिसाब से टोटल जो हमारा आएगा उसमें क्या रहेगा, 5 प्लस 7 विच इज़ इक्वल्स टू 12 माइनस 2, हमारी जो नई बनेगी उसमें 10 कॉलम्स रहेंगे। लेफ्ट चेन में क्या रहेगा, अगर पहले टेबल में 5 है और दूसरे टेबल में 2 है और हम लोग एक कॉलम से ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर हमारा जो फाइनल रहेगा ना उसमें पहले टेबल की सारी कॉलम्स आएगी लेकिन दूसरे टेबल की जो कॉमन कॉलम है वो ही आएगी। उसी तरह राइट जॉइन में रहेगा, दूसरे टेबल की सारी कॉलम्स आएंगी लेकिन जो पहला टेबल रहेगा उसमें से सिर्फ जो कॉलम कॉमन है वो ही आएगी। इसकी यहाँ पे हम सिंटेक्स लिख लेते हैं, सिलेक्ट सी डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, सी डॉट लास्ट अंडरस्कोर नेम, सी डॉट कस्टमर आई डी, सम पी अमाउंट। यहाँ पे जो सिलेक्ट की ये क्वेरी है बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये क्वेरी बहुत ही ज़्यादा यूज होती है फॉर एवरी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग। यहाँ पे जो हमने ग्रुप बाय है वो हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ पे आता है हमारा इनर जॉइन और जॉइन वैकेंसी। यहाँ पे क्या किया है, हमारे पास एक टेबल है, पहला टेबल है जो हमारे पास एक कस्टमर है, दूसरा टेबल है हमारे पास पेमेंट। तो हम क्या करेंगे, अगर कस्टमर को हमें पेमेंट के साथ जोड़ना है तो दोनों में एक कॉमन की होनी चाहिए, कॉमन की कॉलम होनी चाहिए। यहाँ पे देखोगे तो एक कस्टमर आईडी है और दूसरा में भी कस्टमर आईडी, तो इन दोनों से हम लोग ज्वाइन करवा सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने इनर जॉइन यूज़ किया है, जो भी दोनों में से कॉमन रहेगी वही हमें फाइनल में मिलेगी। यहाँ पे ग्रुप बाय तो आपको पता ही है, ग्रुप बाय क्या करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड कस्टमर, जो हमने आगे ऊपर पढ़ा है। और यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, फ्रॉम कस्टमर सी, हमारे लिखने के लिए आसानी हो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, कस्टमर को हम लोगों ने शॉर्ट नेम दिया है सी और पेमेंट को हमने शॉर्ट नेम दिया है पी। तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो ईजी रहेगा। अभी हमें क्या करें, किस दी दो दोनों टेबल में कौन सी कॉमन है, तो कस्टमर आईडी सी में है कस्टमर आईडी और पी में है कस्टमर आईडी इक्वल्स टू,
कि हाँ मेरी क्वेरी बनती है इतनी, इनर जॉइन पेमेंट भी ऑन सी डॉट कस्टमर आई डी इक्वल्स टू पी डॉट कस्टमर आई डी, पहले क्या करना है फ्रॉम कस्टमर, ऐसे हमारा आगे बढ़ेगा। ये क्या किया उन लोगों ने, पहले वाले में से ये तीन कॉलम भी है जो है हमारा कस्टमर में से, और जो है पांच चौथी कॉलम पी डॉट अमाउंट ली है, चौथी वो हमारी उन लोगों ने ली है पेमेंट वाले टेबल से, ऐसा करके पूरा बनता है। आगे फिर बढ़ते हैं, ये भी उन लोगों ने एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत ही ध्यान से करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में भेज देना, मैं आपको थोड़ा डिटेल में ऐसा होगा तो फिर से नया वीडियो बना के दूंगी। सब क्वेरीज, और सब क्वेरीज एसक्यूएल क्वेरी नेस्टेड इनसाइड अ लार्ज क्वेरी। यहाँ पे आप देखोगे हमारी बेसिक क्वेरी रहती है सिलेक्ट पेमेंट अमाउंट, दिस काइंड ऑफ अमाउंट फ्रॉम पेमेंट। इन लोगों ने क्या किया, ये वाली देखोगे ना इसको सब क्वेरी बोलते हैं, एज करके अगर हमें कुछ नई कॉलम ऐड करनी है लेकिन कंडीशन अप्लाई करके, तो उसके लिए ये वाला का यूज़ हुआ। इन लोगों ने यहाँ पे एक सब क्वेरी डाला है, सब क्वेरी मेनली हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालनी होती है, और उसका उसका जो सब क्वेरी का आउटपुट रहेगा उन लोगों ने ये टोटल अमाउंट में स्टोर किया, और ये टोटल अमाउंट रहेगा अभी हमारे नई कॉलम बन के पेमेंट अमाउंट में स्टोर हो जाएगा। सिलेक्ट सम ऑफ अमाउंट फ्रॉम पेमेंट, ऐसे करके इन लोगों ने ये वाली नई बनाई है। यहाँ पे क्या किया है मेनली इन लोगों ने, अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास ये टेबल है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट है, तो पेमेंट इन लोगों ने टोटल एज अ टोटल अमाउंट करके डाल दिया है, ऐसे आपको टोटल अमाउंट भी मिल जाएगा। और इस तरह से हमारी सब क्वेरी का यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, विंडोज़ फंक्शंस विथ रैंक। विंडोज़ फंक्शन अप्लाई टू एग्रीगेट एंड रैंकिंग फंक्शंस ओवर अ पर्टिकुलर विंडोज़ सेट ऑफ रोज। ओवर क्लास इज यूज्ड विथ विंडो फंक्शंस टू डिफाइन द विंडो, इट कैन बी कंबाइंड विथ पार्टीशन बाय और ऑर्डर बाय। सिलेक्ट कस्टमर आई डी सम ऑफ अमाउंट रैंक ओवर बाय, यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिलेक्ट हमने देख लिया है, कस्टमर आई डी सम ऑफ अमाउंट एस टोटल अमाउंट वो भी हम लोगों ने देख लिया है, यहाँ पे रैंक ओवर ऑर्डर बाय सम ऑफ अमाउंट डिसेंडिंग। यहाँ पे ओवर का यूज ऐसे किया है कि इज विथ विंडो फंक्शन टू डिफाइन द विंडो, यहाँ पे जो सम ऑफ अमाउंट रैंक हम लोगों ने यहाँ पे एक नई एक कॉलम जैसा लिया है विच इज रैंक, वो क्या करेगा ऑर्डर बाय सम ऑफ अमाउंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो हम लोगों ने क्या किया है अभी जो सम ऑफ अमाउंट करके नई कॉलम बनाई है टोटल अमाउंट, उसी पे उन लोगों को ऑर्डर बाय करवाना है, तो वो हम अभी तो हमारी एक ही करी चल रही है जिसमें हम लोगों ने टोटल अमाउंट नाम की कॉलम बनाई नहीं है, तो अभी उसी पे हमें करना होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये रैंक का यूज़ किया है, रैंक ओवर करके जो क्या करेगा जो हमारी अमाउंट रहेगी और उसके ऊपर जो हमने सम ऑफ अमाउंट करके बनाया है उस पर ये लोग डिसेंडिंग करेंगे, बाकी तो जैसे क्या जैसा है वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड ट्रंकेट। एज द नेम सजेस्ट इंसर्ट इज यूज टू पुश वन और मोर रिकॉर्ड्स इन द टेबल विच अपडेट इज। इंसर्ट का क्या होता है मतलब, अगर हमारे पास कुछ टेबल है उसमें हमें कुछ डेटा इंसर्ट करना है, अपडेट का क्या मतलब है हमारे पास कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें हमें कुछ अपडेट डालना, मतलब नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, ऐसा कुछ। डिलीट डिलीट का मतलब क्या है कि डिलीट का मतलब क्या है, अगर हमारे पास कुछ डेटा सेट है और उसमें से हमें कुछ डिलीट करना है, कुछ हमें रो नहीं चाहिए, तो उसके लिए डिलीट बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारा है जो ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कुछ टेबल है उसमें 100 डेटा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, पूरा का पूरा डिलीट करना है डेटा, तो उसके लिए ट्रंकेट का यूज़ होता है। सो ये पूरा हमारा ब्लॉग अभी ख़त्म हो गया है, हम लोगों ने नीचे रेफरेंस लिंक भी दी हुई है, तो आप ये वाला ब्लॉग ज़रूर रिफर करना, और अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।